हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 9 का वर्कशीट नंबर 1 चल रहा है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्कशीट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने करवा दिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और इस वीडियो में हमें दो क्वेश्चन कराऊंगा चैप्टर नंबर 9 का वर्कशीट 1 का 5 और 6। उसके बाद हमारा वर्कशीट 1 खत्म हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 2 का। ठीक है, तो जो बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना बच्चों, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस के मिलते रहें। तो बच्चों चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड, पी क्यू बराबर है किसके साथ, एक्स जेड के साथ। देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल यहाँ पे गिवन है, पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड। तो यहाँ दो ट्राइंगल में से दो करस्पॉन्डिंग साइड को उसने इक्वल यहाँ पे दिखा दिया। देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, पी क्यू बराबर एक्स जेड के साथ, और दूसरा यहाँ पर क्यू आर बराबर वाई जेड के साथ। ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है, आप चेक कर सकते हो। ये देखो पी क्यू के करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा, एक्स जेड होगा। क्यू आर का कौन सा है, क्यू आर का आपका क्या है, जेड वाई है। तो बोले सर ये तो कैसे पता चल रहा है आपको, या तो नेमिंग, तो नेमिंग कैसे आपको पता चल रहा है ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है। या तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर आप तो मेजरमेंट देख के बोल दिए कि ये पी क्यू करस्पॉन्डिंग होगा एक्स जेड के साथ। बच्चों आप ऐसे भी पता कर सकते हो, देखो ट्रायंगल को उल्टा रखा गया है यहाँ पर। देखो ये जो आपका 2.5 सेंटीमीटर है ना, मतलब जो एक्स और जेड है ना, उसको वो क्या किया है, ऐसे घुमा के रखा है। तो पहले एक्स एक्स को उधर लिया है, जेड को इधर लाया है। अब ऐसा करते हो, एक्स को उधर ले जाओ, वो जेड को, ट्रायंगल ऐसे घुमा के रखो। अब इस ट्रायंगल को आप क्या करोगे, पहले इसको यहाँ एक्स जो यहाँ पर, यहाँ से उठाओ, फिर इसे घुमा के इस तरफ रखो, फिर इसको नीचे ले आओ, तो आपको ट्रायंगल ऐसा ही दिखेगा, आपको ये ट्रायंगल ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, आप कर सकते हो। 2.5 की जगह यहाँ पर जो पी क्यू जो है यहाँ पर आपका ऐसा रहेगा, जेड और एक्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग गिवन है यहाँ पर। तो यहाँ पर दो तो इसने गिवन कर दिया है, और एक तीसरा क्या होना चाहिए, दो तो इसने गिवन कर दिया कि पी क्यू बराबर है किसके साथ, एक्स जेड के साथ, क्यू आर बराबर है जेड वाई के साथ। तो और एक क्या होना चाहिए, तो और एक क्या यही होना चाहिए, पी आर, क्योंकि पी आर का कॉरेस्पॉन्डिंग बच्चों क्या होगा, पी आर का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, एक्स वाई होगा। तो ये पी आर जो हो, यहाँ पे मैं तीन लाइन दे देता हूँ, आप कुछ जितना भी लाइन दे सकते हो। मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि पी आर अगर इक्वल होता एक्स वाई के साथ, तब ये दो ट्राइंगल आपका ट्रिपल एस कॉन्ग्रेस कंडीशन में आपका प्रूव हो जाता, तब ये ट्राइंगल आपका सेटिस्फाई हो जाता ट्रिपल एस कंडीशन से। तो ट्रिपल एस कंडीशन करने के लिए और इन दोनों साइड को, इन ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल होना पड़ेगा, पी आर इक्वल होना चाहिए एक्स वाई के साथ। बस आंसर आपको इतना ही लिखना है कि पी आर इक्वल होना चाहिए एक्स वाई के साथ, बस इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, वो पूछ रहा है। ठीक है, तो व्हाट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या देता क्वेश्चन, क्वेश्चन और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या देता, ताकि ये दो ट्राइंगल आपका ट्रिपल एस कॉन्ग्रेस कंडीशन में हो जाए। तो दो गिवन किया है, और अगर ये दे देता कौन सा, पी आर इक्वल दे देता एक्स वाई के साथ, मैं पी आर का एक कुछ मेजरमेंट देता और दिखा देता कि हाँ, जैसे उसने बाकी दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल दिखाया है, तो अगर ये पी आर को अगर इक्वल दिखा देता एक्स वाई के साथ, तो ये दो ट्राइंगल आपका ट्रिपल एस कंडीशन में कांग्रेस प्रूव हो जाते हैं। बस यही कुछ बेस यही करना था आपको, बस बताना है कौन सा एडिशनल यहाँ पर साइड होना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर गिवन क्या है। मैं आपको सबसे बेस्ट मेथड बताऊंगा, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को नेमिंग के थ्रू भी कर सकते हो, बट मैं आपको फिगर करके बताऊंगा, फिगर करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर दो ट्राइंगल गिवन है, एबीसी और एक है डीईएफ। यहाँ पूछ रहा है कि दो ट्राइंगल जो कॉन्ग्रेंट गिवन है, यहाँ पर देखो कॉन्ग्रेंट का यहाँ पर सिंबल लगा दिया है, इसका मतलब ये ऑलरेडी दो ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ बोला है कि अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट दे दिया है, तो बताओ उनके कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं फिगर यहाँ ड्रॉ कर, फिगर करने से इजी हो जाएगा। यहाँ मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया एबीसी, यहाँ मैंने फिगर ड्रॉ किया बच्चों, अब नेमिंग के थ्रू भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, नेमिंग के थ्रू भी हो जाएगा। एबीसी ये हो गया आपका बच्चों, जिस जहां पर ए रखो वहां पर, यहाँ पर भी डी रखना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरह पे एक से बी आप नीचे जाओ तो डी, यहाँ पर ई यहाँ पर रखना पड़ेगा, फिर डी ई है। ठीक है, आपको सब पता ही है। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ऑलरेडी, तो हमें यहाँ पता है एबी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा, एबी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन होगा बताओ, डी होगा, यहाँ पर डी लिख दो, इतना ईजी है। देखो सी एंगल सी का क्या होगा, देखो यहाँ पर एंगल सी जो एंगल सी के यहाँ पर कौन, एंगल एफ होगा, यहाँ लिख दो एंगल एफ हो गया। ई एफ देखो, ई एफ ध्यान से, ई एफ ई एफ ई एफ ई एफ जो साइड है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा, बीसी होगा, यहाँ लिख दो आप बीसी। अच्छा एंगल डी देखो, एंगल डी देखो, ये रहा एंगल डी, तो ये कौन है, ये एंगल ये होगा, यहाँ पर एंगल ये होगा। फिर दिया यहाँ पर सी है, नेमिंग ध्यान से, पहले सी है, लेटर देखो पहले सी है फिर देने है।
ये हमारे को सी और ये मतलब सी ए किसके साथ होगा, ई एफ के ई और सॉरी एफ और डी के साथ होगा, सी ए का क्या होगा एफ एंड डी होगा। देखो सी नेम में लेटर ये देखो पहला लेटर क्या उसने यूज किया सी ए, तो आप यहाँ से ऐसे ही लोगे सी ए से इधर क्या होगा आपका एफ डी होगा। एंगल बी किसके साथ इक्वल होगा एंगल ई के साथ, यहाँ पर एंगल ई लिख दो। आप बोलो सर आप नेमिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं, नेमिंग के थ्रू भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ये पहला मेथड में आपको बता दिया जो फिगर के थ्रू कर सकते हो, फिगर ड्रॉ कर दोगे आप देखोगे फिगर हो जाएगा। अगर आपको ऐसा पसंद नहीं आप नेमिंग के थ्रू करना चाहते हो तो नेमिंग के थ्रू भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर ए बी है, देखो यहाँ पर ए बी और ए पहले ए देन बी, उसको यहाँ पर क्या हो डी होगा, ये जल्दी हो जाएगा, यहाँ भी जल्दी होगी, कोई भी मेथड फॉलो करो हो जाएगा। यहाँ पर देखो सी बोला तो यहाँ पर थर्ड लेटर को बोलते, यहाँ पर थर्ड लेटर कौन है एफ है, यहाँ पे एंगल एफ हो जाएगा। फिर यहाँ देखो ई एफ बोला है तो देखो यहाँ पर से ई एफ इन दोनों को पकड़े, देखो ई एफ है तो यहाँ पर भी क्या आपको बीसी लेना पड़ेगा, यहाँ पर बीसी है ठीक है। अच्छा एंगल डी, यहाँ पर जो डी है तो डी की इस जगह पे कौन है जिस एफ इस जगह पे डी फर्स्ट लेटर पे, तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर यहाँ पर कौन है ए है, तो यहाँ पर एंगल ए हो जाएगा। सी ए यहाँ पहले सी है देन ए है, पहले यहाँ पर सी देन ए है, सी सी देन ए उसको तो आपको भी ऐसे आना पड़ेगा एफ देन डी, एफ डी हो जाएगा। फिर एंगल बी का एंगल ये हो जाएगा, एंगल बी यहाँ पर देखो बीच में, तो यहाँ पर बीच में कौन है ई है, तो एंगल बी का एंगल बी। अब कोई भी मेथड में कर सकते हो बट आई थिंक फिगर आपका बेस्ट मेथड है, फिगर करने से आपको समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है, नेमिंग कभी कभी धोखा भी दे देता है ठीक है, तो आप फिगर से करो, फिगर सबसे परफेक्ट है। ऐसे इस नेमिंग से भी आप कर सकते हो, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, बट फिगर मैं चाहता हूँ फिगर करो, नेमिंग के तो आपको मतलब समझ में उतना इसको नहीं आ रहा है तो फिगर के थ्रू कर सकता है, इसको फिगर समझ में नहीं आ रहा फिगर तो समझना ही पड़ेगा क्योंकि अभी ये चैप्टर पर फिगर पे ही है, नेमिंग पे नहीं है, ये चैप्टर आपका फिगर पे है, फिगर आपको समझना जरूरी है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग दो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे आपका नया जो सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब दूसरा कंडीशन की तरफ हम बढ़ेंगे, एस ए एस कंडीशन, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो, साइड एंगल साइड। ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा एस एस कंडीशन जो आपका दूसरा कंडीशन होगा। ट्रिपल एस कंडीशन खत्म हो चुका है, व्हाट्सएप वन खत्म हो गया हमारा, तो नेक्स्ट जो कंडीशन स्टार्ट होगा एस ए एस साइड एंगल साइड, तो उसका इंट्रोडक्शन वीडियो पहले आएगा, उसके बाद में व्हाट्सएप टू स्टार्ट करूंगा, तो इंट्रोडक्शन वीडियो को स्किप मत करना, मैं बार बार बोलता हूँ कोई भी इंट्रोडक्शन वीडियो को स्किप मत करो। कॉन्ग्रेंट टोटल आई थिंक 7-8 मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बना, इंट्रोडक्शन वीडियो के 7-8 पार्ट मैंने बनाया है, सारे पार्ट देखो बच्चों डायरेक्ट व्हाट्सएप वन पे आ जाते हैं, ऐसा मत करो क्योंकि मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल को, चैप्टर नंबर 9 को, तो जितने भी इंट्रोडक्शन पार्ट के जितने भी वीडियो मैंने बनाया है 7 या 8 बनाए हैं, सब सबको देखो देन व्हाट्सएप वन पे आओ ठीक है, तभी आप अच्छी तरह चीजों को समझ सकते हो। डायरेक्ट आप व्हाट्सएप वन पे आओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि 7 मैंने 7 पार्ट बनाया है इंट्रोडक्शन का, तो सोच के ही बनाया होगा ना ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलो, इसलिए मुझे इतना भी टाइम लग रहा है मतलब कॉन्ग्रेंट पढ़ाने के लिए क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बोलता हूँ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास 8 में 9th में 10th में हर जगह आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा समय लेके इसका इंट्रोडक्शन मैंने 7 या 8 पार्ट इसका इंट्रोडक्शन मैंने बनाया है, वो पहले देखो देन व्हाट्सएप वन पे आओ ठीक है। तो इसी तरह व्हाट्सएप टू स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन बनाऊंगा, अब चिंता मत करो उतने सारे पार्ट नहीं बनेंगे, 1 या 2 पार्ट बनेगा, इससे इस कंडीशन समझाऊंगा उसके बाद व्हाट्सएप टू स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों छोटे मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, व्हाट्सएप 2 का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे। ओके चलो बाय।